नमस्कार, फूल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। हरियाली से जुड़े मेरे सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से हों और हरियाली से जुड़े हों। हरियाली से जुड़ना तो हमारा एक वास्तविक जीवन बन चुका है। जीवन में हरियाली हमारे अच्छी ऊर्जा देती है और अच्छी हमें एनर्जी देती है। हमारी आंखों को भी एनर्जी मिलती है ग्रीनरी से, और हमारे जो ये आसपास की ग्रीनरी हमारी वायु को शुद्ध करके पॉजिटिव वायु हमें प्रदान करती है। ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। और हरियाली से जुड़े और कुछ ना कुछ तो जरूर एक दो पौधे आप भी अपनी गार्डन में, अपनी गैलरी में, अपनी बालकनी में जरूर लगाइए, क्योंकि हरियाली ही एक ऐसा मात्र है जो कुदरत की सबसे बड़ी देन है। तो चलिए, आज मैं आपको गुलाब की कटिंग के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि विंटर समय जाने वाला है और जो ये गुलाब की कटिंग वगैरह ये दिसंबर, नवंबर, दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है लगाना और अपने पेड़ों की ग्रोथ करना और इसकी फ्लावरिंग के लिए। वैसे तो मेरे कोई समय बाउंडिंग नहीं है कि मैं मतलब इसको, कटिंग को इसी समय में लगाऊं या उस समय में लगाऊं। मैं तो आपको पहले ही क्लियर बता चुकी हूँ, कटिंग का मेरे लिए कोई मायने, कोई समय नहीं है कि फरवरी में लगाएं या हम उसको समर में, बरसात के समय में लगाएं। मुझे कटिंग का थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि कटिंग को किसी भी मौसम में ग्रो किया जा सकता है। तो चलिए, आज मैं आपको गुलाब की कटिंग के बारे में बताती हूँ, क्योंकि अभी तो विंटर समय है थोड़ा, तो इसमें मॉइस्चराइजर बना रहेगा और कटिंग अच्छे से ग्रो करेगी। तो गुलाब की जो आप वैरायटी है आपके पास में और उसको ग्रो करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो कटिंग के द्वारा आप लगा सकते हो। चलिए, आज मैं आपको गुलाब की कटिंग के बारे में बताती हूँ। तो ये मेरा गुलाब का प्लांट है, गुलाब के पौधे को देख सकते हो, तो कितना बड़ा हैवी गुलाब का ये पौधा हो चुका है। और इसकी फ्लावरिंग तो बस क्या कहने, बहुत ज्यादा फूल आ रहे हैं। और ये सारा कमाल बनाना फील पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री का है। देख सकते हैं आप कितने सारे फ्लावरिंग आ रही हुई है, देखो कितने सारे ये फूल आए हुए हैं। और कलियां, कलियों की तो गिनती ही नहीं, आप अभी भी देख सकते हो इतनी फ्लावरिंग के बाद भी एक एक बंच में चार चार पांच पांच कलियां निकली हुई हैं, आठ आठ कलियां। ये देखिए कितनी सारी ये कलियां ही कलियां हैं पूरे उसमें। ये मेरा देसी रोज का पौधा है, तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है। और आप देख सकते हैं ये मैंने कटिंग के द्वारा भी, ये इस पॉट के अंदर ये कटिंग के द्वारा लगाए हुए है। ये मैंने गर्मियों में लगाया था, ये देखिए ये भी मेरा कटिंग के द्वारा था। ये कहते हैं कि लोग पेंसिल टाइप कलर वो लगानी चाहिए, आप देख सकते हैं ये मेरी ये कटिंग लगी हुई है इसके अंदर। मैं ये देखिए पतली से पतली कटिंग भी ग्रो हो जाती है। अब ये देखिए मेरी कटिंग ये चल रही है, हल्की हल्की रूट निकली हुई है और इसमें भी ये देखिए छोटी छोटी ये पत्तियां निकल आई है। तो कटिंग किसी भी प्रकार की हो, कटिंग सभी प्रकार की लग जाती है। देखिए छोटी वाली कटिंग भी, हर तरह की कटिंग ग्रो हो जाती है। बस थोड़ा सा इसके अंदर हमेशा मॉइस्चराइजर बना रहना चाहिए। तो मैंने इसी के अंदर चार पांच कटिंग ये हल्की हल्की पतली पतली कटिंग लगाई हुई है। मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ पतली वाली कटिंग का, मोटी वाली कटिंग का। ओ ये देखिए, और आज भी मैं आपको यही बता रही थी कि आप भी इस ऐसे ही पौधों की कटिंग ग्रो करके लगा सकते हो। गुलाब की ये सीजन है और गुलाब के पौधों की कटिंग अगर आप लगाएंगे, अच्छी ग्रोथ पाएंगे, तो ऐसी कटिंग लगाइए। ये देखिए मैं इसी को लगा देती हूँ, इस कटिंग को। ये देखिए कितनी अच्छी है। तो इसी प्रकार आप भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसानी से ये कटिंग ग्रो हो जाएगी। तो आप इस प्रकार की ऐसी कटिंग लें और कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। कम से कम 6 इंच की कटिंग ले, मैं इसको इतनी बड़ी कटिंग में लगाऊंगी। तो देखिए मैं इसी के अंदर ही, इस पॉट के अंदर ही ये कटिंग को लगा देती हूँ। तो ये कटिंग की एक ये रूट, एक ये रूट, तो ऐसे एक दो रूट अंदर जानी चाहिए, ये जो इसके ये हैं, तो इनसे ही इसकी ग्रोथ बढ़ने वाली है।
आप भी अपने गार्डन में अपने गुलाब के पौधों की ग्रोथ बढ़ा सकते हो। इस तरीके से आप अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हो और एक पौधे से आप इसी प्रकार मल्टीप्लाई पौधे कर सकते हो। कितना अच्छा हमें बेनिफिट मिलता है इन चीजों का, क्योंकि हम अपने एक पौधे से ही इसकी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए मैंने ये इस तरह से एक एक करके इससे मैंने ये तीन बना चुकी हूँ, तो इसी प्रकार ये कटिंग भी मेरी चल जाएंगे तो मेरे कई पौधे और हो जाएंगे, तो मेरे ये गुलाब के पौधे काफी हो जाएंगे। तो मैं ये आपको एकदम फ्री बातें बताती हूँ कि इससे आपकी फ्री गार्डनिंग भी हो जाएगी और आपकी पौधों की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से आप अपने गार्डन में किसी भी प्रकार की कटिंग हो, कटिंग लगाने से घबराए नहीं। कैसी भी कटिंग हो, अगर चलो सक्सेस हो जाती है तो चलो बहुत बढ़िया है, बेनिफिट है। अगर नहीं भी हुई तो क्या जाता है, दोबारा एक्सपेरिमेंट की करेंगे। अब कि हमने ऐसी ली, अगली बार हम थोड़ी और स्ट्रॉन्ग कटिंग लेके लगाएंगे, तो आपको किसी भी प्रकार से रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है और अपने पौधों की ग्रोथ के लिए, अपनी हरियाली के लिए, अपनी इस फ्लावरिंग के लिए। तो हमें क्या करना है, अपने पौधों को मल्टीप्लाई करते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के पौधे हो, सबकी कटिंग लगाई जा सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा है। अब मैं इसमें थोड़ी सी गुड़ाई भी कर देती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट। और इसका हाँ, इसकी लगाने का बस इतनी सॉफ्ट मिट्टी हो, इतनी ड्रेन मिट्टी हो, बिल्कुल बढ़िया, जिसमें इसकी रूट आराम से चलती रहे, एकदम मस्त तरीके से रहे। और आपको पता है ना, मैंने एक वीडियो में डाला था, मैंने इसकी अभी अक्टूबर के महीने में बिल्कुल हार्ट पूर्णिंग कर दी थी। हार्ट पूर्णिंग करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पौधों की ग्रोथ कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी है। ये दिखाते हुए और देखते हुए भी दिल खुश होता है कि मेरे पौधे ने कितनी अच्छी ग्रोथ की है। मैं कुछ ऐसा नहीं डालती इसके अंदर, कोई केमिकल वाली चीज नहीं, सब ऑर्गेनिक चीजें हैं, किचन से निकलने वाली कचरे से और पेड़ पौधों की पत्तियों की बनी हुई खाद, मस्टर्ड केक पाउडर और बनाना फील, जिसकी वीडियो मैंने आपको दी हुई है, आप उसी प्रकार से बनाएं और इसी प्रकार इतनी ज्यादा फ्लावरिंग पाइए और इसी प्रकार से आपको भी ऐसे ही बेनिफिट मिलेगा। और बहुत ही अच्छी बनाना फील का लिक्विड फर्टिलाइजर होता है, उसको डाइल्यूट करके अपने पौधों में हर 8 दिन बाद 7 दिन बाद का नियम बनाएं, उसी हिसाब से डालें। एक बार हम 5 दिन बाद से डालें, एक बार हम 7 दिन बाद से डालें, एक बार हम 15 दिन की, फिर उसके बाद में महीने महीने के। जैसे ये फ्लावर झड़ चुका है तो इसको हमें यह पत्ती के पास से काट देना चाहिए, जिससे इसमें 1 से 2 स्टेम निकलेंगी और इस पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी और यहीं से पौधा फिर से कई रूट निकालेगा और फिर से फ्लावरिंग बढ़ेगी। ये देखिए, ये भी यहाँ से मैं कट कर देती हूँ। तो इसी प्रकार आप भी अपने पौधों की कटाई छटाई करते रहें और अपने पौधों की देखरेख करें और इसके अंदर बनाना फील फर्टिलाइजर देते रहें, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर है जो बिल्कुल एकदम अंदर गुड़ाई के बाद एकदम रूट तक पहुँचता है, तो वो उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। तो आप क्या करें, इसमें बनाना फील फर्टिलाइजर दीजिए और अपने पेड़ की केयर कीजिए। आपको ये मेरी छोटी छोटी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।